बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे 12.11। इसमें बेटा जो क्वेश्चन है ये है, इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट डिस्टेंस दिस। तो दरअसल ये केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, या जो फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, तो ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 20वें चैप्टर का। तो यहाँ गिवन है, उसने बताया एक न्यूक्लियर प्रोटॉन का नाम लिया। तो बेटा अगर देखा जाए भी हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, 1s1, 1s2, तो ये हमारा रफर, ये हमारा रफर। तो बेटा देखें, हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1s1, 1s2, 1s3। तो किसी ये एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन, किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाई या ऐसे एटम जिनका चार्ज नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। ये हाइड्रोजन है। अब इसको लिखते क्या हैं, हम लिखते हैं एक्स को लिख के यहाँ नीचे लिखते हैं जी, ऊपर लिखे हैं ए, ए से मास नंबर और जी से एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। तो इसका जी वन है, ए है 1 2 3। तो किसी एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाई या ऐसे एटम जिनका चार्ज नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो और उनका मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। तो बेटा जो जी है इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो जी से मुराद हम लिख सकते हैं ई, या जी से ले सकते हैं पी, क्योंकि ई और पी हमेशा सेम होते हैं। बेटा एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम इज न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ न्यू। तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर से मुराद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसके बाद हम लिखते हैं ए, ए से मुराद हम लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जब मास नंबर लिखें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो बेटा ए लिखा, यहां पी था और पी बराबर इसको लिखा जी प्लस एन, तो ए माइनस जी इज इक्वल टू एन। तो ये हमारा एक एमसीक्यू हुआ। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अगर मास नंबर में से चार्ज नंबर निकाल दिया जाए बनेगा न्यूट्रॉन्स। इसका रिजल्ट ये निकाला बेटा, नीचे क्या होता है हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ, ऊपर क्या होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। मसलन अब इसमें ये देखते हैं 1H1 3, इसमें बेटा जो ए है वो है 3, इसमें जी है 1। तो फिर एन क्या होगा, ए माइनस जी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसका रिजल्ट ये निकाला, अब नीचे क्या होगा, इसमें प्रोटॉन ए, अगर इसको देखा जाए इसमें प्रोटॉन बेटा ए, प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन ए, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें से 2। इसी तरह 1H2 की बात की जाए, इसमें बेटा प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1 1 1H1। प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 0। लिहाजा जो सिंपलेस्ट एटम है वो है प्रोटॉन। इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब आप उसने लिखा है न्यूक्लियर प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर प्रोटॉन से मतलब हम यूँ लेते हैं एक हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो बेटा ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा वन, ये जो ड्यूट आपके पास प्रोटियम है इसमें न्यूट्रॉन होता नहीं, बाकी कौन सा होगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के चार्ज को लिखते हैं पॉजिटिव ई, पॉजिटिव ई, इसके बाहर इसका ऑर्बिट है।
इसमें एक देखो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसको नाम दिए बेटा माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, ये इसका है, इसको हम कहते हैं आर, ये इसका ऑर्बिटल रेडियस है। तो आप बात करें जब आएगा न्यूक्लियर प्रोटॉन, न्यूक्लियर प्रोटॉन से मुराद उस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन था ही नहीं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन बाहर, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये बात हो रही है प्रोटियम की, ये हमारा रफ वर्क था एमसीक्यूज के लिए। तो उसने बताया कि एक सिंपल है, ये रेड्स गिवन। अब हमें जो गिवन है उससे मतलब बेटा, हमें ये जो दरमियानी फासला है वो गिवन है, हम लिखेंगे डिस्टेंस। उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया डिस्टेंस का, डिस्टेंस, ये इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसको आर का नाम दिया। खुद तो उसने बता दिया 5.29 × 10⁻¹⁻ ये दरमियानी फासला गिवन। इसकी स्पीड भी गिवन आपको, तो भाई स्पीड इज इक्वल टू वी 2.18 × 10⁶ m/s गिवन आपको। तो बेटा चार्ज ऑन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों की मिकदार सेम है, तो उसको हम ई लिखते हैं, ई हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये बात याद रखनी रफ में बेटा, ई जो है 1.6 × 10⁻¹⁹ पॉजिटिव के साथ बात करते हैं, तो ये होगी बात प्रोटॉन की, −1.6 × 10⁻¹⁹ ये बात होगी इलेक्ट्रॉन की। इनको ऐड करें तो आंसर कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन ये किसी सूरत, ये एमसीक्यू ये देखें, +19, ये बड़ा किसी का नहीं है। तो प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव मैग्नीट्यूड में, तो +19 किसी का भी नहीं होगा, ये बात याद नहीं। तो दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑफ द प्रोटोन। अब बेटा मैस ये बनाना है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, ये बेटा है 9.1 × 10³³ kg। अब हमने जो इसमें निकालना चाहते हैं वो क्या, कुछ उसकी जरा खबर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चल रहा है, ए पे हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, जिसको नाम दे चुके हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। तो बेटा हमने पहले पढ़ चुका है वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, सिंपल, के क्यू ओवर आर बेटा वी। अब के की वैल्यू है 9 × 10⁹, क्यू से मराद ई, से मराद 1.6, क्योंकि क्यू को नाम ई का दिया है, 1.6 × 10⁻¹⁹। आर गिवन आपको 5.29 × 10⁻¹⁹। अब बेटा हम इसको यूं करते हैं, वी 9 को मल्टीप्लाई किया 1.6 के साथ, डिवाइड किया 5.29 के साथ, 10⁻¹, ये है बेटा 9 −19, ऊपर जाके ये +11। अब हम बात करते हैं वी की, तो बेटा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे करेंगे हम डिवाइड, तो ये आपके पास सिंपल होगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, तो आएगा 2.72। देखो 9 और 11 ये 20, 20 में से 90 निकालने, तो ये आएगा 10⁻¹⁹। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2.72
टेन की वन टेन है तो 20.2 ये होगा वोल्ट। तो बेटा वी पोटेंशियल हमने निकाली है अगर 27.2 वोल्ट, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब बी पे निकाले हैं टोटल एनर्जी निकाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, बी निकाले हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यानी कि ई हमने फॉर्म। तो बेटा टोटल एनर्जी में दो चीजें होती हैं, एक होता है के ई, एक होता है बी। ई बराबर होगा के ई प्लस बी ई, दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है निकाल। अगर बेटा के ई कौन सा देखा जाए तो के ई का हमें फार्मूला हमारे पास है 1/2 mv² अब बेटा यहां बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि के ई जब कोई मूव करने वाली उसका तो मूव करने वाली चीज क्या है वो इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस वो टाइटली बॉन्ड वो रेस्ट पे है और जो रेस्ट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, लिहाजा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी 9.1 × 10⁻³¹। वेलोसिटी हमने हमारे पास ये स्पीड ये वेलोसिटी गिवन है 2.18 × 10⁶, 2.18 × 10⁶ का स्केयर ये हमारे पास गिवन है। तो भाई अब हम करते क्या हैं इसका, अब हम इसको यूं लिखते हैं 9.1 और बेटा लिखा है 2.18 का स्क्वायर है डिवाइड बाय 2 है 10⁻³¹ और इसको इस मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 12। आप पहले 2.18 का करेंगे स्केयर, स्केयर को इसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को 2 पे हम करेंगे डिवाइड। तो 2 पे डिवाइड करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इनको ऐड करते हैं भाई। अब ये जो आपके पास है 12 में से निकालना ये आएगा -19, ये -19 आपके पास है। अब 2 को इस पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 9.1 को हमने डिवाइड इस पे करना है 2 के ऊपर, तो ये आपके पास आएगा 4.55। बाकी आ गया जी 2.18 का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास के ही है और आंसर किसमें निकाल दिया हमने जूल हमने। अब आंसर निकालना है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो हमें देना पड़ेगा वो हैंड हमने पहले दिया था लास्ट टाइम क्यू ई, पिछले क्वेश्चन में था, हम यहां देते हैं कॉस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹ जूल। तो आप इसको डिवाइड करते हैं इसके ऊपर, तो बेटा ये आपके पास आंसर आएगा 4.55 2.18 का स्क्वायर 10⁻¹¹, इसको डिवाइड कर दिया 1.6 × 10⁻¹¹ के ऊपर, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे ये होगा कैंसर, तो 2.18 का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको डिवाइड किया 1.6 के ऊपर, तो अब हमारा जो आंसर आएगा बढ़ाएगा 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह हमने के ही आंसर निकाल दिया 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास के ही आंसर। अब हमें चाहिए पी, अब पी को देखते हैं पी कैसे निकाल लीजिए।
हमने बेटा पढ़ा था सिंपल फार्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इस वर्क को नाम दिया है पीई का, और ये है क्यू पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया वी का पीई। यहाँ बेटा जो मूव, अब हमने किसको मूव कराना, इलेक्ट्रॉन था, इसको नाम दिया माइनस ई का पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, इसका नाम है वी। तो क्या होगा, ई वी के साथ माइनस, क्योंकि हमेशा मूव करने से लॉस आती होगा, नेट होगा, इस वजह से। तो चार्ज लिखा माइनस ई वी, ई बेटा है 1.6, नेट साथ आएगा 10 की पावर -19। वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम पहले निकाल चुके हैं 27.2। अब ये किसकी बात हो रही है, ये भी आएगा जौल में -1.6, 27.2, 10 की पावर -19, इसको डिवाइड किया 1.6 10 की -19 पे, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू पी। अब बेटा ये दोनों आंसर कहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यू थी के ई की और ये वैल्यू बी की, ये क्वेश्चन वन में पुट करते हैं, इसमें बाई वन ई हमने बेटा निकाला है के ई, और के ई का आंसर आपके पास है 13.51, और इसके बाद साथ इसकी वैल्यू पी ई की डाल दी, पी की वैल्यू है -27.2। अब इसमें से इसको करते हैं माइनस, तो बेटा ये आपके पास आएगा 13 पॉइंट, तो ई का आंसर जो मैंने निकाल दिया वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा पास आ गई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसका हमारे पास सी पार्ट भी है, वो निकालते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमें निकालनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बेटा होती है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, और यहाँ लिखनी है एनर्जी। तो बेटा ये वाला जो बात है, ये हमारे पास ये रहा, देखें ये रहा है बेटा, ये रहा। अब किसी इलेक्ट्रॉन को, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, इसको उठा के इसके यहां तक ले जाना, यहां तक ले जाना, तो इसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी बोलते हैं, दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी ग्राउंड स्टेट टू दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये ग्राउंड स्टेट आगे यहां तक ले जाए, इसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। अब आयन आय समझा लेते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल के इन बाहर निकाल देना, रिमूव कर देना, वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। हमें निकालनी है वो कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन, हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हम सिंपल कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी कॉल्ड
तो हम जो कहते हैं आयन हेड्स के बीच, दैट इज ये हम कहते हैं ई इन्फिनिटी माइनस ई जी, दैट इज कॉल्ड आयन हेड्स एनर्जी। मसलन यहाँ जो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ जो एनर्जी है उसका नाम बेटा है ई जी ग्राउंड स्टेट, इसको लेके का जाना है इन्फिनिटी तक, तो ऊपर होता है इसे कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट, इसे कहते हैं लोड, तो बड़ी रकम में से छोटी फोर्स बाकी, तो ये इसे कहते हैं आयन एनर्जी। फर्ज किया यहाँ 2 जाउल है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, 30 माइनस 2 18, वो निकाल ली है ई इन्फिनिटी है आयन एनर्जी, हमने निकालनी है आयन एनर्जी, अब निकालना चाहते। तो बेटा इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी क्या होती है, जीरो। देखो हम लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वो बेटा लिखते हैं ई इन्फिनिटी माइनस ई जी, इन्फिनिटी पे जाए एनर्जी जीरो, और ई जी का आंसर ही हम निकाल चुके हैं -13.6, माइनस माइनस पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हमारा आंसर होगा। अब हम ये आंसर लिखते हैं कंबाइन करने के बाद, हैंस क्या निकाली आपने, सबसे पहले हमने निकाला ए ऑप्शन में निकाला था ए पे भी निकाला है बेटा हमने पोटेंशियल, ये देखें वी निकाला हमने आंसर, वी हमारे पास आंसर आया 27.2 वोल्ट। इसके बाद बी ऑप्शन हमने निकाला है, बी ऑप्शन क्या निकाला बेटा, बी ऑप्शन में हमने निकाली थी बी ऑप्शन ये, बी ऑप्शन में निकाली टोटल एनर्जी वो ई था, वो था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी ऑप्शन हमने निकाली अभी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन वो थी हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आंसर, तो बाकी इंशाल्लाह।